आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। मैं हूं खबर देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। खोटे पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अड़की थाना अंतर्गत हेमरूम बाजार के पास से लक्ष्मी आटा कंपनी के मुंशी से अज्ञात अपराधियों द्वारा 1,05,000 लूट लिया गया था। खोटी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लूटी गई 77,130 रुपये, 2 मोटरसाइकिल, डोली एवं मोबाइल फोन बरामद किया गया। इस मामले में ज्यादा जानकारी SDPO अमित कुमार ने बताते हुए कहा, सुने। छः तारीख को यानी कल रात्रि में एक खूंटी के दिलीप साहू जी हैं, उनका एक आटा मिल है। इसके जो स्टाफ गन है, एक सवारी वाहन से तगादा करके और पैसे की राशि वसूल करके और अड़की से खूंटी की ओर आ रहे थे। इसी क्रम में हेमरम बाजार के पास से कुछ दूर आगे बढ़ने पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अपराधकर्मियों द्वारा उनके वाहन को रोका गया और उसकी कंपनी के जो आटा मिल के जो मुंशी हैं उनके ड्राइवर और क्लास के 3 जने वाहन पर सवार थे। वो लोग अड़की क्षेत्र से और प्लस गुंडू क्षेत्र से पैसों की वसूली कर और जो अपना दुकान का जो है सामान उसकी बिक्री के बाद जो भी पैसा होता है सब ले करके वापस खूंटी की ओर आ रहे थे। इसमें 2 मोटरसाइकिल पर 4 अपराधकर्मियों द्वारा हेमरम बाजार के पास वाहन को रोक कर और धारदार हथियार के बल पर जो मुंशी थे मुंशी के पास से लगभग 1,05,000 रुपया लूटा गया और उनका मोबाइल भी लूट लिया गया था। इस संबंध में अड़की थाना में एक कांड दर्ज किया गया था, जो कांड संख्या 20/23 के तहत लूट की घटना का कांड दर्ज किया गया। इसके बाद तत्परता से हम लोगों के द्वारा एक बल दल का गठन किया गया, छापामारी दल का। इसमें थाना प्रभारी अड़की थे और अड़की थाना के अन्य पदाधिकारी कम थे और त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड की गंभीरता की गंभीर घटना थी, सरेआम रोड पे लूटपाट की घटना घटी थी। तुरंत एक टीम का गठित करते हुए और टीम द्वारा बहुत त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर एक कांड को उद्भेदित करने में हम लोग सफल हुए और इसमें 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो लक्ष्मी आटा कंपनी का जो सवारी वाहन था, इसका जो चालक था गोला मुंडा, उसका नाम है गोला मुंडा। ये पूरे घटनाक्रम के बाद ये बात सामने आया कि उस वाहन का जो चालक गोला मुंडा है खुद भी उक्त घटना में शामिल था। वो अपने सहयोगियों के साथ घटना को अंजाम दिया। इसमें घटनाक्रम इस तरह से है कि गोला मुंडा के संपर्क में एक मोनो मिर्धा है, जो मोनो मिर्धा अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोरबा का रहने वाला है, वो भी पहले जेल में इसके साथ रह चुका है। तो ये दोनों की दोस्ती थी और ये विगत दो तीन दिनों से उसके संपर्क में था और ये बताता रहा कि ये जो कंपनी का जो मालिक है, कंपनी का जो मुंशी है, वो पैसा लेकर के और वापस आने वाला है। तो वो पहले से ही ये लोग सूचना पर ये लोग रेकी कर रहे थे और नज़दीक आने पर इवन अड़की क्षेत्र में आने पर भी फिर वो लोग उनसे बात किया, उसके संपर्क में आया और नियत स्थान पर आकर उस घटना को अपराधकर्मियों द्वारा अंजाम दिया गया। 4 जो गिरफ्तार हैं उनमें जो मोनो मिर्धा और दूसरा पांडू मुंडा जो कि वो भी कोरबा गाँव का रहने वाला है, तीसरा फगुआ मिर्धा जो पेशा सोहराय मिर्धा जो चित्रामू थाना खुटी का रहने वाला है, मोनो मिर्धा का रिश्तेदार है, और चौथा जो गोला मुंडा जो वाहन का चालक था उसे भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर जो फगुआ मिर्धा के पास से 19,500 रुपया, पांडू मुंडा के पास से 17,400 रुपया मोबाइल और कानून में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल उसे भी हम लोगों ने बरामद किया है, मोनो मिर्धा के पास से 40,230 रुपया मोबाइल और लोहे का दौली जिस धारदार हथियार का प्रयोग इन लोगों ने लूटपाट के लिए किया था उक्त दौली को भी हम लोगों ने इनकी निशानदेही पर बरामद किया है। इसके अलावा गोला मुंडा के पास से रेडमी कंपनी का मोबाइल फोन और मोनो मिर्धा की निशानदेही पर एक काला रंग का बैग जिसे उक्त वाहन के मुंशी द्वारा यूज किया जा रहा था उसमें पैसा रखा गया था, जो बैग समेत लूटपाट की घटना घटी थी उस बैग को भी बरामद किया गया, जिसके अंदर उसका आधार कार्ड और सरिता फ्लावर मिल से संबंधित जो कागजात हैं आदि सन्ने को बरामद किया गया। इसमें एक बात और है कि जो गोला मुंडा है जो ग्राम तोड़ांग का रहने वाला है, वो पहले भी अड़की थाना कांड संख्या 15/21 में आरोपित रहा है। इसने एक महिला की हत्या करी थी, उस कांड में वो जेल में था। और इसके अलावा एक मोनो मुर्दा है, वो भी अड़की थाना कांड संख्या 26/17/2017 में एक हत्या कांड में जेल में था। जेल में ही दोनों की दोस्ती हुई और उसके बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बता दें कि SDPO अमित कुमार ने बताया कि
टोडा से लदे पिकअप वाहन की भी जब्ती की गई है। सुने क्या कहे एसडीपीओ अमित कुमार। एक पिकअप वाहन पर डोडा लदा हुआ और वो लोग डोडा को अन्यत्र स्थान पर ले जाने की योजना बना रहे हैं। आधार पर अपने थाना के पदाधिकारियों के साथ ग्राम कुमकुमा स्थित जंगली क्षेत्र में थाना छापेमारी करने पर ये दूर से ही लोग पुलिस को देख करके और गाड़ी भगाने लगे। उसके बाद जब पुलिस नजदीक पहुंची गाड़ी रोक करके वो लोग भागने में सफल रहे। गाड़ी के चालक और जो साथ में जो सह चालक था वो दो और गाड़ी का नंबर जो JH01AB5112 पिकअप वाहन पर जो नजदीक जाने पर देखने पर पता चला कि इसमें डोडा लदा हुआ है और उसमें लगभग 8 बोरा में कुल 205 केजी 800 ग्राम डोडा की बरामदगी हुई है। इस संबंध में वाहन को जब्त किया गया है और डोडा लदे वाहन। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और देखते रहें MK News India। नमस्कार।